दोस्तों, अगर आप एक यूपीआई यूजर हैं और आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे जैसे यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ गई है। उसके बारे में आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो खबर आई हो आपको बहुत यहाँ पर ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर खबर जो है तीनों यूपीआई एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पर आई है। तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक आपका क्या था कि आप यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते थे तो आप बिंदास कहीं भी अपना ट्रांजेक्शन कर पाते थे, पर वैसा नहीं है। आपके लिए यहाँ पर एक लिमिट तय कर दी गई, तीनों यूपीआई एप्लीकेशन की अलग अलग लिमिट यहाँ पर तय की गई है। उसके बारे में आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डेली का आपको ले चलते हैं और आपको पूरी खबर यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। हम आपको बता दें कि पहले तो आपकी बैंक की लिमिट जान लीजिए कि आपकी बैंक जो है आपको कितना यहां पर यूपीआई के लिए आपको लिमिट देती है। उसके बाद यूपीआई एप्लीकेशन की भी बात करेंगे। तो अगर आपका अकाउंट किसी बड़े बैंक में, मान लीजिए अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, तो आपको जो एसबीआई है वो अपने कस्टमर को डेली यूपीआई ऐप को जो है लिमिट 1 लाख देता है। 1 लाख आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये बैंक की लिमिट, अभी एप्लीकेशन की लिमिट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और अगर आपका अकाउंट किसी छोटे बैंक में, जैसे आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है, तो आपको यूपीआई की लिमिट डेली आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए दी जाएगी। तो आप बैंकों के बारे में जान लिया, हमने यहाँ पर सिर्फ दो बैंक के बारे में बताया है। अगर आपका अकाउंट किसी अदर बैंक में है, तो उसकी आपकी लिमिट जो है कोई दूसरी हो सकती है। अब चलिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो अगर आप फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप डेली यहाँ पर 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और सिर्फ आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। 20 बार में ही आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, यही आपकी लिमिट फोन पे एप्लीकेशन दे रहा है। चलिए अब गूगल पे की बात करते हैं। तो गूगल पे आपको जो डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट दे रहा है वो 1 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन डेली आप करने की अनुमति गूगल पे एप्लीकेशन आपको देगा। चलिए पेटीएम की बात करते हैं। तो पेटीएम की लिमिट थोड़ा हटके रहने वाली है। यहाँ पर एयरली पे आपको जो है लिमिट दी गई है। यहाँ पर क्या होगा, 1 घंटे में आप सिर्फ 20,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और 1 घंटे के भीतर आप 5 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप 1 घंटे में 5 बार किया तो छठी बार ट्रांजेक्शन आपको करना है, तो आपको वेट करना होगा। और डेली लिमिट आपको पेटीएम 1 लाख रुपए यहाँ पर दे रहा है। तो आपने तीनों यूपीआई एप्लीकेशन के बारे में जान लिया, आपने यहाँ पर बैंकों के बारे में भी जान लिया कि अगर आपका अकाउंट किसी बड़े बैंक में है तो क्या लिमिट होगी और छोटे बैंक में है तो क्या लिमिट रहने वाली है। तो आपने सब कुछ इसके बारे में जान लिया, लेकिन अगर आपको इन जो है यूपीआई एप्लीकेशन की लिमिट के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। और बैंक से जुड़ी ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बैंक से जुड़ी ऐसी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है।